उठती हूँ, मम्मा बना रही है मेरे लिए कॉफी। मम्मा आपने भी ट्राई नहीं करी ना ये? नहीं। क्यों? करूंगी। मम्मा को एक्चुअली थोड़ी कॉफी कम पसंद है इस चक्कर में। मैं कॉफी कम पीती हूं। एंड अब मैं एक्चुअली मैंने बोला था कि कोल्ड कॉफी अब मत पिया कर, अब तू हॉट कॉफी पी। और दुबई में मैं इतनी उम्र मैंने कोल्ड कॉफी पी है कि मेरा गला अभी तक देखो खराब पड़ा हुआ है। तभी तो मैं निकलता हूं। हां एंड भाई बात बताओ, दुबई में मैंने इतनी सारी लैंप वगैरह देखी, बट अपनी अगर के देखने का मतलब अलग ही मजा था। ऐसा क्यों? एंड बाय द वे वेल, सो व्हाट इज अप गाइस, फ्रॉम लॉग्स बैक हियर। एंड भाई कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। तो मैं अपनी ग्रीन लैम्बोर्गिनी में याद करो, दुबई में एक राइड ली थी। हाँ। उसके बाद मेरे को सीधा आपने बोल दिया यदु तू कभी ग्रीन कलर की गाड़ी मत खरीदियो। हाँ, क्योंकि ग्रीन एक तो कॉमन कलर है लैम्बोर्गिनी में बहुत ज्यादा। हाँ, लैम्बोर्गिनी में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। और जब हम ऐसी हाई एंड कार्स लेते हैं तो कुछ अलग एक्सेप्शनल से कलर होना चाहिए। बट फिर रेड तो नॉर्मल हम देखे चल रहे हैं। अब जो रैप की बात हो रही है, आप कह रहे हैं रेड या ऑरेंज ही कराना है, उसके अंदर कुछ कराना है। ऑरेंज इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। सबका अपना अपना वो होता है ना, कुछ कलर साइन की वजह से भी है, तो इसलिए ये भी चीज है भाई। इसलिए मैं कुछ ग्रीन नहीं करा सकता। हाँ, नहीं, नहीं। अब इस बार आई थिंक मैं रेड ऑरेंज या येलो तीनों में से कुछ ना कुछ एक कराऊंगा। ग्रीन ही मिलेंगे। हाँ, लैम्बोर्गिनी में क्योंकि यूजुअली कलर है लैम्बोर्गिनी का वो लाइट ऑरेंज है, लाइट येलो है, लाइट ग्रीन है। विद ऑरेंज और रेड। हाँ, ये भी है। हाँ। तो चलो अपने करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। अगर लैम्बोर्गिनी की बात हुई तो लैम्बोर्गिनी निकालता हूँ और करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। गाइस ट्रस्ट मी, मैकबुक प्रो 14 इंच से बेटर कोई लैपटॉप नहीं है। मतलब दिस इज अ वेरी गुड लैपटॉप, ऊपर से बजट लैपटॉप भी यूट्यूबर्स वगैरह के लिए। मेनी ऑफ यू गाइस आस्क मी आल्सो कि भाई हम कौन सा विंडोज लैपटॉप लें, हम कौन सी विंडोज पीसी लें या मैकबुक लें। तो भाई सच बता रहा हूँ, आंख बंद करके ये वाला लैपटॉप ले लो, बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। अगर आपको ज़्यादा स्पेंड करने का मन है तो आप ले सकते हो M1 Max जो कि 16 इंच के अंदर आता है। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज दैट इन 14 इंचेस, बट मैं तो बोलूँगा 14 इंचेस का बिल्कुल आप ले लो स्टार्टिंग मॉडल या 10 कोर वाला मॉडल, बिल्कुल बेस्ट है एडिटिंग के लिए। इतना जल्दी रेंडर निकलता है कि मैं क्या बताऊँ। एंड अमेजिंग लैपटॉप। एंड एप्पल ऑल्सो हैज चेंज द कीबोर्ड ऑफ दिस लैपटॉप। इन्होंने टच बार भी रिमूव कर दिया और यहाँ पे एक टच आईडी भी है, तो मतलब यू कैन अनलॉक योर लैपटॉप बाय फिंगरप्रिंट। बाकी कीबोर्ड मतलब इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया पहले से। अंकल ने आज बार गाड़ी का इंजन चमका दिया है, अंदर रहता था। अंकल ने बोला आज साफ कर दूंगा बिल्कुल अच्छे से। हाँ भैया, ढंग से हो गया, कितना लग रहा है। एंड हमेशा जो अंकल ने यूज़ करते थे माइक्रोफाइबर क्लॉथ, बिकॉज इससे गाड़ी पे कोई स्क्रैच नहीं आता। और अंकल को मैंने यही बोला वो यूज़ करने के लिए, गाड़ी पे जरा सा भी स्क्रैच नहीं आता, जो हमें होता ना कपड़े उस गाड़ी पे आ जाता स्क्रैचेस वगैरह। बहुत दिनों बाद भाई, ये डाउनशिफ्ट, ये अलग ही फील है भाई, बहुत दिनों से नहीं ली थी, है ना अंकल जी? हाँ भाई। जैसे ही मैं यहाँ पर आया ना, अंकल जी ने मेरे को सीधा पूछा यदु भैया कल आप लैम्बो निकालोगे? मैंने बोला हाँ यदु भैया कल निकालने जरूरी है, बट दिनों से हमने राइड नहीं ली है गाड़ी में। हाँ भाई। तो मैं बोला हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल अंकल जी। डाउन शिफ्ट करते हैं गाड़ी का थोड़ा सा। भाई क्या फील आती चलाने में हमेशा यार इसको? बहुत अच्छी। यस, अभी जब गाड़ी पे रैप हो जाएगा ना, जो मैं चाह रहा हूँ कस्टम रैप मेरी पसंद का बिल्कुल, वो जब हो जाएगा आप भाई लिटरली बोलोगे गाड़ी तूने क्या बढ़िया बना दी है दुबई। गाड़ी देख के मजा आ गया हमें। अब इधर मैं उतरता हूँ, आपको इधर सुनाता हूँ गाड़ी की आवाज़, क्योंकि बम्पर गाड़ी का हटा हुआ है, बिकॉज आई थिंक ये लास्ट वीडियो है विदाउट बम्पर। उसके बाद आई थिंक गाड़ी का बम्पर मैं लगवा लूंगा। सुनो जरा, गाड़ी रुकी थी भाई, भीड़ लगी पूरी गाड़ी के पास, बहुत भीड़। चलो और यहाँ, चलो 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 भैया, ईयरफोन डाल के मुँह में फोटो खींचने, अभी जाने दो प्लीज, जाने दो। अब सुन लो भाई पीछे से आवाज एक बार यार। अब घर आ गए वहां से वापस राइड लेकर के लैम्बोर्गिनी में, बहुत ज़्यादा मेरे को मजा आया। लगभग मैंने गाड़ी चलाई है 12-13 दिनों बाद, तो इसको खड़ा करते हैं पार्किंग में वापस और यहाँ से कुछ ही तरीके चलता हूँ ऊपर। जितने भी लोग आजकल खरीदते हैं ना नए नए गैजेट्स, तो सब लोग परेशान हैं, बिकॉज एप्पल ने तो देखो देना बंद कर दिया चार्जर और अडैप्टर सब चीज़ों के साथ में। तो अभी अब मेरे को देना पड़ा है सेपरेट मेरी एप्पल वॉच के लिए, नहीं तो इससे पहले आई वॉज यूजिंग द चार्जर फॉर माई आईफोन, बट उसमें फिर बार बार दिक्कत क्या आती थी, टाइप सी निकालो उसके फिर इसकी लगाओ मैग्नेटिक केबल वाली, तो मैंने बोला भाई एक ये वाला लेना पड़ेगा। ये रहा अपना नया चार्जर, ये दोबारा मेरी कॉपी कर रहा है। अब ये जो शूज़ मेरा आया था ना ग्रीन वाले, अब ये ब्लू वाले परचेज कर रहा है और ये इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। और भाई तूने चीज़ देखी, दुबई से सस्ते इंडिया में आ रहे हैं। बिल्कुल भाई सही बात है, मैं इनकी बात कर रहा था, मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं अपने, जस्ट सी कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये कोलैबोरेशन है नाइकी और ऊनो का, जूम फ्रीक 3। दुबई का ट्रैफिक इतना वेल मैनेज्ड है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब यहाँ पे एक वहाँ से गुजरा है, एक यहाँ से गुजरा है, अपनी लेन में नहीं रहते हैं भाई लोग यहाँ पे बिल्कुल भी, क्या बताऊँ। इसको लेफ्ट मुड़ना होता है भाई, वो बिल्कुल लेफ्ट में चला जाता है। I don't even know. देखो वहाँ बस रुकी हुई है, यहाँ पे ये, यहाँ पे भाई मैं दुबई को मिस कर रहा हूँ भाई लिटरली। वहाँ के जो रूल है वो ऐसे कि मैं क्या बताऊँ, अगर तुम इंडिकेटर नहीं देते लेफ्ट मुड़ने के लिए राइट मुड़ने के लिए,
तो तुम्हें लगता है फाइन 400 दिरहम का, 8,000 रुपए का फाइन है एक इंडिकेटर ना देने पे। तो आप लग लगा लो यार कि मतलब कितने स्ट्रिक्ट रूल्स है और यहाँ पे सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। भाई यहाँ पे है चॉकलेट शेक और यहाँ पे है मेरा चिकन बैटर्स विद बेकन। ऐसी वही बारिश है ना दिल्ली में, होती है बहुत कम, खासकर सर्दियों में, और अभी हो रही है ना, अभी इतनी गर्मी हो गई थी, अब कल से देखना दोबारा से हो जाएगी ठंडी, मार्च के मौसम में ठंडी हो जाएगी। देखा जितना मेरे पीछे देखना, ये पूरी यहाँ पे बिजली जा रही है, देखो 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 खतरनाक सी बारिश आ रही है। मैं नीचे जा रहा हूँ, भीग जाऊँगा नहीं तो। बात सुन रही हो कि पूरा पानी यहाँ पड़ रहा है, सीट है उसके, पानी यहाँ का नहीं आ रहा अंदर, बस ये मेन है कि पानी बस यहाँ आए। अच्छी बात है हमारे भाई जो टेस्टिंग है पूरे रूम की वो हो जाएगी। शिफ्ट तो यहाँ पे मैं हो जाता बहुत टाइम पहले, बट मैं को चाहता हूँ कि जो रूम है ना ये बहुत बढ़िया निकल के आए, जो आउटपुट है बहुत बढ़िया सा है, यहाँ पूरा आ जाए वॉलपेपर एक बढ़िया सा। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एकॉस्टिक फोम लगाऊंगा, ऐसे का ऐसे ही रहने दूँ। अब देखो एग्जाम्पल मैं अभी बैठ पे हूँ ना इस रूम के अंदर, तो पूरी बाहर की आवाज़ आ रही है मेरे को बारिश की, जो कि मैं नहीं चाहता, मतलब ऑब्वियसली कौन चाहता, क्योंकि जो स्टूडियो है उसमें एक आवाज़ आए बाहर की, तो आई थिंक यहाँ पे अगर लगाता हूँ एकॉस्टिक फोम तो बाहर की आवाज़ नहीं आएगी। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग दिस डेज, कि कुछ ना कुछ रूम है ना इसको बढ़िया सा बनाया जाए, ये नहीं कि इसको ऐसे छोड़ दूँ और आप लोगों को ज़्यादा बिल्कुल मज़ा ना आए। गाइज यहाँ पे है मेरे पास में कभी ऐसा एक्शन फिगर जो कि बिल्कुल सेम है क्रिप्टो की तरह। आप लोगों को पता है प्राइस ने क्रिप्टो के कैसे ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, तो ये जो टॉय है कुछ वैसा ही है। अभी इसको लगभग मैंने लिया है 25,000 रुपये का, दुबई से मैं अगर बोल लूँ तो मैंने लिया है 1,250 दिरहम का। अब शायद जिसका प्राइस है फ्यूचर में आने वाले 6 महीने में हो जाए 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा, या शायद उसका प्राइस है वो MRP पे ही रहे, वो मेरी किस्मत वाली बात है। ये कोलैबोरेशन ये है बिटवीन एंडी वरल एंड जीन मिशेल के बीच में, तो दिस इज़ एक्चुअली अ बियर ब्रेक। आप लोगों ने पक्का सुना होगा कॉज के बारे में, कॉज भी होते हैं एक्शन फिगर्स, बट आई विल शो यू व्हाट इज़ इनसाइड जो कि मैं लाया था दुबई से ही। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्शन फिगर मैंने अपने लिए परचेज़ कराया दुबई से, और ये है वो चीज़। अब आप लोगों को लग रहा होगा तुमने टॉय क्यों परचेज़ करा, तो भाई देखो आजकल जो क्रिप्टो है ना उसके बिल्कुल प्राइस आपको पता है कैसे ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, सेम बिल्कुल ये टॉयज है वैसे ही हैं, ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। इनका जो प्राइस है अगर आपको नहीं पता, किस्मत वाली बात है, एकदम से ऊपर चला जाए 25,000 रुपये का लेकर के ये 2.5 लाख का बिक जाए, 3 लाख का बिक जाए, 5 लाख का बिक जाए, 10 लाख का बिक जाए, हमें नहीं पता। एक तरह से मतलब ये आप बोलते हो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बट ये अभी कुछ ऐसा होता है कि इसे पूरे पार्ट्स वगैरह मूव करते हैं, सेम लाइक कॉज है ये पूरा बैठ भी जाता है। तो इसमें एक्चुअली मिलते हैं 2 फिगर्स, एक ये छोटे वाला भी है, ये रहा इसके छोटे वाला और ये रहा इसके बड़े वाला, तो ये एक्चुअली कोलैबोरेशन है बियर ब्रेक का। एंड इसकी जो ये ऊपर का हेड है ये निकल भी जाता है, ये देखो ऐसे। क्या इसका जो प्राइस है आने वाले फ्यूचर में वो डबल होता है, ट्रिपल होता है या नहीं होता, अगर होता है सपोज़, तो भाई मैं ऐसे जो टॉयज़ हैं आने वाले फ्यूचर में ज़रूर कलेक्ट करूँगा। एंड देखो यहाँ पे है इसका पीछे साइन जो कि आर्टिस्ट कोलैबोरेशन में बने हुए हैं ये, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा टॉय है। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा नॉर्मल सी चीज़ है, बट भाई ये जो चीज़ है ना अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या बोल रहा है तुम, वो समझ नहीं आ रहा, बट जब आप लोगों को इसके बारे में करोगे ना स्टडी तो यू गाइस विल गेट टू नो कि ये क्या चीज़ है। तो यह खत्म करता हूँ अपने आज के व्लॉग को, यहीं पे ही मिलता हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन मेरा चैनल पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल पे नए हो विद दैट सेड, बाय एंड स्टे सेफ, बाय बाय।